अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देख तो रहेंगे, अभी तक आँख नहीं खुली। रोज़ा रखना है आज शब बारात का, तो मन उठाया, आँख नहीं खुली। अब चलते हैं सहरी करने के लिए। पहले तो मुँह हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद सहरी करने चलते हैं ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, तो चलते हैं। आपको दिखाते हैं पहले, अम्मा ने पहले देखें क्या बनाया हुआ है, कुछ अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। खैर चलते हैं, बहुत नींद में भी होश में भी नहीं आया मैं। तो चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको मैंने क्या बनाया है, फिर आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, सैरी करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी भी जाना है, रोजे में भी यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। अभी पहले पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम ऊपर आ गए, मुँह हाथ भी धो लिया, बड़ी मौत पड़ रही थी मुँह हाथ धोने में आज। तो खैर मैंने तो बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, चिकन बनाई है भाई, चिकन। ओह माय गॉड, वाओ, चिकन खाते हैं। उसका रखना है, एक दो रोटियां तो खानी पड़ेंगी, मुझे पूरा दिन नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में गुजारना पूरा दिन। खाने के बाद आपको अपडेट देते हैं, पूरा दिन का आज ब्लॉग बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। खाते हैं उसके बाद खाते हैं। अभी भी मैं नींद में हूँ, समझ नहीं आया। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। खाते हैं कुछ छोटे ब्रेक के बाद मिलते हैं। सहरी को कर ली हमने, खाली चिकन बड़ी मज़े की बनी हुई थी, और अब ये पीते हैं ताकि पूरा दिन गुजरे। 5 बजे ऑफ हुआ मेरा, ये खाने ये पी रहे हैं, बड़े मज़े का है। झूठ बोल रहा है। आज यूनिवर्सिटी भी जाना है, अल्लाह ख्याल कर रहा है। इतनी गर्मी बहुत हो रही है आजकल, रांची का वेदर तो सबको पता कितना रहता है। जो जो रोज़ा रखेगा वो रोज़े में ब्लॉग देखे मेरा। हमारी सहरी हो गई, तो हम थोड़े से नफिल पढ़े, फिर अजान का वेट करते हैं, फिर अजान का वो भी, फिर उसके बाद नमाज पढ़ के सो जाएंगे, फिर दोबारा सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना। पहले तो जाते हैं नीचे, नफिल वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह, फिर नमाज तक का वेट करते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ब्रेक देंगे आपको, फिर उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।
अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ गए, नमाज भी पढ़ ली हमने, सब कर लिया, रोज़ा भी हो गया, रोज़ा तो रख लिया। अब दिन में पता चलेगा कैसा गुजारा रोज़ा, भूख लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि गर्मी बहुत है। कराची का वेदर आप सबको पता है कि कैसा होता है। अभी देखें, अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अब थोड़ा सोने लेटते हैं, जा रहा है यूनिवर्सिटी से, बहुत थोड़ी सी नींद और गर्म हूँ ताकि ना दिन गुजर जाए, वरना क्लास में मेरी आँखें यूँ होती रहेंगी क्लास में। खैर अब तो मैं सोने लेट रहा हूँ, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो हम उठ गए हैं, बहुत मुश्किल से उठा हूँ मैं, और अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, रोज़े की हालत में यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। इतनी गर्मी, हाथ सो कर तो उठ गए, अब यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं कैसा गुजर रहा है। अभी से रोज़ा मुझे लगने शुरू हो गया है, अभी से भूख लग रही है। खैर चलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी चल के ब्लॉग बनाते हैं अपना, भी बस क्लास है मेरी थोड़ी देर में, तो निकलते हैं यूनिवर्सिटी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 2 hours later। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं यूनिवर्सिटी तो आ चुका हूँ और लैब भी हो चुकी है हमारी, और अब लैब पे बैठा हुआ मैं। ये देखें हमारी, ये तो छोटी सी लैब है, ये छोटी सी लैब है, हमारी लैब दूसरी है। खैर लैब तो हो चुकी है, अब हम जाएंगे थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी विजिट कराता हूँ, अब हाँ क्लासेस लेते हैं, एक क्लास रह गई है मेरी, 2 घंटे की क्लास है, अभी क्लास लेके इंशाल्लाह घर जाएंगे और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आप से, और ब्लॉग पेंड करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत विजिट कराते हैं। गजला लगा हुआ मुझे बहुत ज़्यादा, रोज़ा भी आज, बहुत सारे बच्चों का रोज़ा यूनिवर्सिटी में। खैर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप जब तक यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज रोज़ा तो गुजार लिया, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आज डॉक्टर के पास, मैं अभी भी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ, तो डॉक्टर ने तो मुझे बताया कि मेरे जो सर में दर्द था और नज़ला वगैरह जम रहा था ना, तो डॉक्टर ने आज चेक किया तो बताया कि दोनों तरफ की हड्डियाँ बढ़ गई हैं, और DNS कहते हैं इसको, बेसिकली DNS हो गया मुझे, और इसका ऑपरेट लिख के दिया डॉक्टर ने। लेकिन बोला है कि ऑपरेट ना कराएं, क्योंकि 50% चांसेस होते हैं कि बंदा सही हो जाता है, 50% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा वैसी का वैसी हो जाता है, तो ऑपरेट ना कराएं। मेडिसिन वगैरह दिए और स्प्रे वगैरह करने को दिया, अब वो करूँगा। मेरी हालत भी देखें कैसी हो रही है, बहुत बुरी हालत हो गई थी यूनिवर्सिटी से आने के बाद, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। रोज़ा भी बस अल्लाह अल्लाह करके खोला मैंने रोज़ा, और उसके बाद मैं लेटा रहा, फिर बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हॉस्पिटल वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लगे मुझे। खैर व्लॉग को एंड करते हैं, मेरे लिए दुआ करें कि मैं फिर ठीक हो जाऊँ, प्रॉपर पूरा ठीक हो जाऊँ, और दुआ नहीं करते हैं आप लोग यार, दुआ करें मेरे लिए मैं ठीक हो जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ रोज़, अरे इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। खैर व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो पूरी देख लिया करो भाई, वॉच टाइम बढ़ाना है मैंने अपना, कुछ तरीका है भीख मांगने का। खैर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया, 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरा पकड़ा है।
ओके थैंक यू।